नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे दोस्तों ऑटोमेटिक इमरजेंसी लाइट की वायरिंग कैसे करते हैं और काम उसका यूज़ क्या कहाँ किया जाता है। दोस्तों चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। उसके लिए हमने दोस्तों ये 8 पिन रिले ली है, ठीक है दोस्तों, और एक अपना ये LED बल्ब और होल्डर है, और ये अपनी जो पावर सप्लाई दोस्तों ये UPS पावर सप्लाई है, ठीक है दोस्तों, ये अपनी UPS पावर सप्लाई है, और जो दो ये वायर है ये दोस्तों ये अपनी ग्रिड की पावर सप्लाई है, ठीक है दोस्तों। पहले हम इसकी वायरिंग करते हैं दोस्तों, फिर इसके बारे में सीखेंगे कि यूज क्या की जाती है। इसको हम दोस्तों अपने ये सी चैनल में दो हमने TV लगा रखी है, और ये अपनी रिले इसमें असेंबल कर लेते हैं, ये इसमें कनेक्ट कर दिए दोस्तों। अब दोस्तों हम पहले क्या करेंगे कि जो अपनी ये अपनी रिले दोस्तों इसकी जो कॉइल वोल्टेज है दोस्तों वो 240 वोल्ट AC है। अब हम इसकी वायरिंग करते हैं, जो ये जो अपनी ये टर्मिनल है दोस्तों 13-14 नंबर, ये कॉइल में वोल्टेज जाएगी दोस्तों, ये जो अपनी कॉइल है उसकी वोल्टेज के लिए है, ठीक है दोस्तों। पहले हम इसमें अपनी जो ग्रिड की पावर है दोस्तों पावर सप्लाई आएगी वो कनेक्ट कर लेते हैं फेज और मोटर। ये हमने फेज इन्वर्टर ग्रिड के पावर सप्लाई के कनेक्ट कर लिए दोस्तों। अपनी जो ये इसमें रिले की कॉइल में चार ही वो जो वोल्टेज जाएगी दोस्तों उसमें हमने कनेक्ट कर दिया 13 और 14 नंबर में, ठीक है दोस्तों। अब हम ये जो ग्रिड जो अपनी UPS पावर सप्लाई है दोस्तों उसकी वायरिंग करेंगे दोस्तों। ये जो रिले है इसकी NC कॉन्टैक्ट ले लेते हैं दोस्तों। अब इसके NC कॉन्टैक्ट दोस्तों ये दे रखे हैं यहाँ, ये देखिए 12 नंबर कॉमन है इसका और 4 नंबर NC कॉन्टैक्ट है। हम ये इधर ये 12 नंबर दोस्तों इसमें कनेक्ट कर देंगे इधर, ये हमने दोस्तों 12 नंबर जो अपना NC कॉन्टैक्ट है उसमें हमने कनेक्ट कर दिया है। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, UPS की जो हमने MCB लगा रखी है UPS पावर के लिए, अब इसमें हम कनेक्ट कर देते हैं इसको, ठीक है दोस्तों, ये अपना कनेक्ट हो गया। अब हम जो ये जो 12 नंबर है दोस्तों इसका 4 नंबर NC यहाँ है, ठीक है दोस्तों, इसमें अपना ये जो LED बल्ब है इसकी एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं 4 नंबर में। ये देखिए दोस्तों ये जो 4 नंबर में हमने कनेक्ट कर लिया है, ये जो NC कॉन्टैक्ट के इनपुट में हमने UPS पावर सप्लाई जो फेज है वो कनेक्ट कर दिया है, और NC कॉन्टैक्ट के आउटपुट में हमने ये अपना LED बल्ब का एक वायर लगा दी दोस्तों। अब ये न्यूट्रल है दोस्तों, इसके लिए हमने TV यूज किया है, इस TV में यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। ये TV में दोस्तों हमने न्यूट्रल के लिए वायर कनेक्ट कर लिया है, और जो ये UPS सप्लाई है दोस्तों इससे हमें अगर इधर जो MCB है इसके आउटपुट में एक न्यूट्रल के लिए वायर कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ TV में कनेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। ये हमने दोस्तों UPS पावर सप्लाई में ये अपना बल्ब का जो न्यूट्रल पॉइंट है दोस्तों कनेक्ट कर लिया। अब थोड़ा दोस्तों समझ लेते हैं इसके बारे में, जो ये जो दो वायर लगी है दोस्तों ये अपनी ग्रिड की पावर सप्लाई है, जो अपनी पावर सप्लाई आती है वो है दोस्तों, और ये जो लगा रखी है दोस्तों ये NC कॉन्टैक्ट में के इनपुट में लगा रखी है दोस्तों, और जो ये वायर है ये NC कॉन्टैक्ट के आउटपुट में और फिर अपने बल्ब में, बल्ब की वायर जो है NC कॉन्टैक्ट के आउटपुट में, ठीक है दोस्तों, और जो इनपुट लगी है दोस्तों ये अपने UPS पावर है दोस्तों UPS फेज, और ये हमने TV के थ्रू न्यूट्रल दे दिया। अब हम इसको चालू करते हैं दोस्तों,
ये देखिए दोस्तों, हमने जो ग्रिड की पावर है वो ऑन कर दिया है अपनी। और जैसे ही दोस्तों ये अब इसकी ये जो एमसीबी है दोस्तों यूपीएस पावर सप्लाई की, इसको ऑन करके छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ही अपनी जो ये ग्रिड की पावर कट हो जाएगी उस टाइम अपनी इमरजेंसी लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, हम कट करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, अपनी ऑन हो गई और जैसी पावर आएगी ऑफ हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और ये जो इंडिकेशन है दोस्तों, ये दिखा रहा है इसके अंदर एलईडी लगी हुई है अपनी, इसमें पावर है। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए पावर कट कर दिया हमने और इमरजेंसी लाइट ऑन है। और जैसे ही इसकी पावर आती है अपनी ग्रिड की तो ऑफ हो जाती है। और जब ग्रिड की पावर ऑफ होती है दोस्तों, ये यूपीएस की पावर जो सप्लाई है, पावर सप्लाई, उसके थ्रू ये जो एलईडी बल्ब है वो ऑन हो जलने लग जाता है। और जैसे ही ग्रिड की पावर आती है उसमें ऑफ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका यूज़ कहाँ होता है दोस्तों? इसको दोस्तों अपने कंट्रोल रूम में यूज़ किया जाता है। जैसे अपनी पावर कट जाती है ग्रिड की, तो वहाँ रोशनी करने के लिए इमरजेंसी लाइट अपने आप ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए हमारा चैनल इलेक्ट्रिक गुरु। जय हिंद।